नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, आज में मेरे पास क्या है, मेरे पास है एक बड़ा सा बॉक्स जो कि आया है फ्लिपकार्ट की तरफ से, और आज मैं इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाने वाला हूं कि इसके अंदर क्या है। वैसे तो आपको वीडियो का इंट्रो देख के पता चल ही गया होगा और थंबनेल वगैरह देख के इसके अंदर क्या होने वाला है, तो मैं अभी बता देता हूं इसके अंदर क्या है। ठीक है, वैसे तो आप लोग को पता चल ही गया है, इसके अंदर है एक ग्रिल, या हम लोग कह सकते हैं एक तंदूर। ठीक है, छोटा सा ग्रिल या तंदूर, आप कुछ भी कह लो वो है। ठीक है, जिसमें हम लोग बारबेक्यू वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने मंगाया है, मेरा ऐसे कोई ख़रीदने का प्लान नहीं था। मैं आपको सच सच बताता हूँ, ऐसा मेरा कोई ख़रीदने का इसको प्लान ही नहीं था। ठीक है, पर मैं ऐसे ही फ्लिपकार्ट चला रहा था तो फ्लिपकार्ट में जो कि मुझे ये सेल में दिख गया। जैसे कि आप सबको पता है अभी बिग बिलियन डे सेल चल रहा है, ठीक है, तो बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं, तो मुझे ये ऑफर में दिख गया। मुझे ये दिखा 499 रुपीज़ में, ठीक है, 499 रुपये में। तो मैंने सोचा कि चलो ठंड का मौसम आ ही रहा है, इसमें कुछ कुछ बना के खाया जाएगा, कभी वेज कभी नॉनवेज सब चलेगा। ठीक है, नॉनवेज वैसे मेरे घर में कभी कभाली बनता है, बहुत कम, वेज ही हम लोग ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, तो जो भी बनेगा चलो इस ग्रिल पे बनाया जाएगा, और बाकी ठंड के मौसम में थोड़ा हाथ वगैरह भी गर्म कर लिया जाएगा, हाथ सेक लिया जाएगा, तो इसलिए मैंने इसे मंगा लिया। दाम भी ज़्यादा नहीं लगा, ठीक ठाक 499 में मिल गया। तो चलिए अब इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि आखिर प्रोडक्ट कैसा मिला है, कोई काम के लायक है या नहीं, या 500 रुपीज़ का जो प्रोडक्ट है ये पैसा वसूल है। हम लोग सब कुछ आज की वीडियो में चेक करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरा अनबॉक्स करके देखते हैं कि आखिर प्रोडक्ट कैसा आया है। तो दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा हमारा बॉक्स, तो चलिए इसको अनबॉक्स करके फटाफट देखते हैं कि आखिर क्या प्रोडक्ट आया है हमारा। ठीक है, बॉक्स तो वैसे देखा जाए तो बड़ा है, पर उतना भी बड़ा नहीं है। ठीक है, वैसे भी लिखा हुआ था मिनी जो कि है एक क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रिल है। ठीक है, मिनी ग्रिल है। अब देखते हैं कि मिनी ग्रिल के नाम पर कितना बड़ा ग्रिल हमारे पास आया है। तो ये मैंने खोल दिया बॉक्स, एंड बॉक्स के अंदर में ये रहा ग्रिल। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको दिख ही रहा होगा, ग्रिल का साइज़ ये है, ज़्यादा बड़ा ग्रिल नहीं है। अब 500 रुपये के हिसाब से तो बोला जाए तो ठीक ही ठाक हम कह सकते हैं। ठीक है, 500 रुपये के हिसाब से कोई ख़राब नहीं है, पर ऐसे छोटा ग्रिल हम इसे बोलेंगे। ठीक है, मिनी ग्रिल है ये। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये रहा प्रोडक्ट, ऊपर ये ग्रिल लगा हुआ है इस पर, जिस पे हम लोग कुछ भी आइटम इधर ग्रिल करेंगे। एंड इसके नीचे में जो कि है, यहाँ से कुछ इस टाइप का ऐसे खुलता है, इस पर कोल रखा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर कोल रखेंगे हम लोग, एंड कोल रखने के बाद नहीं, पहले इसको ऐसे कैसे लगा देंगे, इसके ऊपर कोल रख के, इधर में कोल जला के, इसके ऊपर ग्रिल लगा के इसको पका सकते हैं हम लोग कुछ भी। ठीक है, और बाकी इसके नीचे बात करें तो इसके नीचे में एक ऐसा गड्ढा दिया रहता है जहाँ पे कोल का जो एशेस वगैरह रहता है, गंदा बनता है कोल का, ठीक है, डस्ट, वो सब इसमें जाके जमा होगा। और बाकी यहाँ पे ऐसा डिज़ाइन बना हुआ है दोनों साइड, जहाँ से जो एयर वगैरह होता है तो एयर वगैरह इन होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा भाई, कोल को जलने के लिए भी ऑक्सीजन लगता है, तो ऑक्सीजन वहीं नीचे से अंदर जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का सिस्टम है इसका। और बाकी अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी तो भाई अच्छा लग रहा है। ठीक है, ठोस क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया है, जो ये मेटल यूज़ किया गया है बहुत ही हार्ड क्वालिटी का मटेरियल है, तो इतनी आसानी से तो ये ख़राब नहीं होगा। ठीक है, और बाकी और क्या मिलता है हमें बॉक्स में ज़रा देखें। तो बॉक्स के अंदर में और ये सब सामान मिला है, ये फॉर्म को साइड में रखते हैं, थर्माकोल को, और बाकी ये स्क्रू वगैरह भाई कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों, ये हम लोगों को दो हैंडल भी मिला है साइड साइड में लगाने के लिए, तो चलिए फिटिंग करते हैं हैंडल को। ठीक है, ये स्क्रू वगैरह है हैंडल का, और बाकी इधर में ये चार स्टिक मिला है। ठीक है, जो सिकवाब बनाने के लिए जो स्टिक रहता है, ये चार स्टिक हम लोग को मिला है इसके साथ। ठीक है, तो देख सकते हो स्टिक भी ठीक ही ठाक क्वालिटी का है, उतना हम लोग अच्छा भी नहीं कहेंगे कि एकदम प्रीमियम क्वालिटी है, वैसा भी नहीं है, और उतना ख़राब भी नहीं है। ठीक है, ठीक ठाक क्वालिटी है, दाम के हिसाब से आप कह सकते हो ठीक ठाक ही है। ठीक है, तो ये चार स्टिक मिला है, और ये हैंडल है, और बाकी ये पूरा सेटअप है। तो इसको चलिए सेट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा हैंडल है, सबसे पहले इसको लगाते हैं, तो ग्रिल को साइड में करते हैं, एंड हैंडल को इधर में लगाना पड़ेगा। इसका स्क्रू खोलते हैं, और भाई मेरे पास अभी जो कि है स्क्रू ड्राइवर भी नहीं है, तो स्क्रू ड्राइवर के बिना ही लगाना पड़ेगा, बिना पेचकस के। ठीक है, तो ऐसे मैं हाथ से ही इसे टाइट कर दे रहा हूँ। आप स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करना ताकि प्रॉपरली ये अच्छे से फिक्स हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो मैं हाथ से ही जितना हो सकेगा उतना मैं टाइट करने की कोशिश करता हूँ। एक लगाया, अब दूसरे को भी लगाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने एक साइड का लगा दिया है, हाथ से स्क्रू को टाइट दिया है। ठीक है, अपर हाथ से इधर जो स्क्रू ड्राइवर रहता है उससे आप ये दोनों को टाइट कर देना। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरे साइड का भी लगा देते हैं इसका। ठीक है, तो दूसरे साइड के लिए भी दिया है स्क्रू,
पर दोस्तों इधर में जो कि है मुझे वो वार्सल नहीं मिला है, जो वार्सल जैसे उस साइड में था दो, ठीक है, तो उस टाइप का वार्सल नहीं है, तो दो वार्सल इसमें गायब है, लगता है कि ये लोग पैकेट में डालना भूल गए वार्सल। तो चलो कोई बात नहीं, अब ये वार्सल के लिए रिटर्न करना सही नहीं रहेगा, ठीक है। वैसे भी ये ऑफ़र में मिला है, ऐसे इतना सस्ता मिलता नहीं है ये, ठीक है। तो अगर आपको भी अगर ऑफ़र वगैरह में मिलता है कभी तो आप भी ले सकते हो, अगर आपके घर में कोई काम है इसका, ठीक है। इधर तो मेरे घर में तो इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ होने वाला है, मुझे पता है, ठीक है। ये तो खाली कहने के लिए है कि नॉनवेज इसमें बनता है, मेरे घर में नॉनवेज शायद ही कभी कभार बनेगा, ज़्यादा इसमें वेज आइटम ही बनेगा और बाकी ठंड के टाइम में ये हाथ सेकने के लिए भी काम आएगा। तो मेरा घर में यही पर्पस के कारण इसे लिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसका नट को टाइट करते हैं। तो दोस्तों बिना वार्सल के भी जो कि है अच्छे से टाइट हो गया है दोनों हैंडल, ठीक है। और अभी तक मैंने इधर स्क्रू ड्राइवर से भी नहीं इसको टाइट किया है, पर आपको जो कि स्क्रू ड्राइवर से टाइट करना है, ठीक है, क्योंकि कभी आप आग वगैरह इसमें जलाए रहोगे कोई कोल वगैरह को, और बाई चांस आप ऐसे उठाते हो तो अगर स्क्रू ड्राइवर से टाइट नहीं रहेगा तो हो सकता है कि खुल के गिर जाए, ठीक है। तो इसलिए स्क्रू ड्राइवर से दोनों को टाइट कर देना, बाकी मेरे में वार्सल नहीं था, एक बिना वार्सल के लिए टाइट है, पर बिना वार्सल का भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ही है, ठीक है। एंड इसके बाद ये हैंडल लगाने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली इसको जो कि है ये ट्रे को इसके अंदर ऐसे लगा देना पड़ता है, ठीक है, बहुत आसानी से अंदर चला जाता है। और इधर ये पकड़ के ऐसे टानने वाला भी इधर दिया हुआ है ये सिस्टम, तो ये अच्छा लगा मुझे। और बाकी अगर नीचे की तरफ बात करें तो नीचे की तरफ इधर चार स्टैंड दिया हुआ है, जो प्रॉपर एक अच्छे क्वालिटी का स्टैंड बनाया गया है, और बाकी पूरा जो मेटल है इसका क्वालिटी भी पूरा अच्छा है, ठीक है। मेरे ख्याल से जो ये मेटल है ये टीन है, ठीक है, टीन है पर अच्छे क्वालिटी का टीन है। 500 रुपये में इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, पर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिला है, ठीक है, अब ये कह सकते हो। और बाकी इसमें कोल आप डाल सकते हो, अच्छा डेप्थ है इसमें, इसमें अच्छा खासा कोल आपका आ जाएगा जो कि बहुत देर तक जलेगा। एंड उसके बाद कोल डालने के बाद उसको अच्छे से आग पकड़ा देना, एंड आग पकड़ाने के बाद आप जस्ट इसे जो कि है इस तरीके से ऐसे लगा सकते हो, एंड इसके ऊपर में चार स्टिक लगा सकते हो, चार स्टिक के लिए दिया हुआ है। इधर देखो स्टिक का कट भी बना हुआ है, 1, 2, 3, 4, तो ये चार स्टिक लगाने का इसमें जगह है, चार स्टिक का इधर कट भी बना हुआ है, ठीक है। तो इस पर आपको वेज आइटम नॉन वेज आइटम जो भी आपको सीख कबाब बनाना हो, तंदूरी कुछ आइटम बनाना हो या कुछ भी बनाना हो ग्रिल वगैरह, तो आप इसके ऊपर बड़े ही आसानी से बना सकते हो। बाकी मेरे घर में तो मैंने आपको बताया ही इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ होने वाला है, ठीक है, जैसे कि इसमें हाथ सेकने का काम हुआ, और बाकी जो वेज आइटम भी खा लेंगे इसमें, कुछ भी बना के खा लेंगे, ठीक है। वैसा नहीं है कि हम लोग को नॉन वेज ही कुछ खाना है, ग्रिल करके कुछ खाना है, ऐसे भी चलेगा, ठीक है। खाली कोल डालेंगे फिर आगे सोचेंगे कि इसमें क्या करना है, ठीक है। तो इस पर्पज़ की वजह से हम लोग लिए हैं, थोड़ा सा सस्ता पड़ा तो ले लिए, नहीं तो इसे हम खरीदने वाले नहीं थे। पर देखा जाए तो क्वालिटी जब आया तो हम लोग को भाई फील अच्छा हुआ, क्वालिटी अच्छा मिला है, कोई ख़राब नहीं है, 500 रुपये में बहुत ही अच्छा चीज़ मिला है, ठीक है। तो अगर आपको भी 500-600 रुपये में मिलता है, 700 रुपये तक भी अगर ये मिलता है तो एक अच्छा डील हो सकता है, आप ले सकते हो, ठीक है। 700 रुपये से ऊपर मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छा डील रहेगा, ऐसे नॉर्मली भी आपको मिल जाएगा, पर विद इन 700 अगर आपको कभी भी मिलता है और आपको इसका ज़रूरत है तो आप जरूर से ले सकते हो, ठीक है। साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना बड़ा साइज़ है। इसमें अगर हम बात करें कि कितने लोग जो कि ग्रिल करके खा सकते हैं, अगर आप ग्रिल वगैरह इस पर करोगे, ठीक है, तो इस पर जो कि है दो आदमी के लिए एक बोल सकते हो अच्छा चीज़ है, पर अगर आपका पूरा फैमिली है, 5 मेंबर है, 10 मेंबर है, तो उसके लिए छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा एक एक जो चीज़ रहता है उसको ग्रिल करने में टाइम लगता है, ठीक है, और उस हिसाब से इसमें जितना ग्रिल होगा और फिर आप लोग खाने बैठोगे तो फिर ग्रिल करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि जगह छोटा है। अगर आप 2 पर्सन हो या मैक्स टू मैक्स 3 पर्सन हो, ठीक है, तो 2 से 3 आदमी के लिए इतना छोटा ग्रिल, ठीक है, 3 आदमी भी नहीं, मैं 2 आदमी रिकमेंड करूँगा, ठीक है, पर फिर भी अगर 3 आदमी भी आप लोग हो तो कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। पर 3 से ज़्यादा पर्सन हो तो आप लोग को जो कि है इसे थोड़ा सा बड़ा लेना चाहिए, बड़ा भी आता है ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये वाला अगर आपको लेना है तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, अमेज़ॉन में भी अगर होगा तो अमेज़ॉन का भी लिंक दे दूंगा, और बाकी फ्लिपकार्ट का तो मैं लिंक दे ही दूंगा, ठीक है, तो आप जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो यही था प्रोडक्ट, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।